पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये बदमाश लोगों को लूट में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों बदमाशों पर शिकंजा कस लिया है। चंडीगढ़ में शराब और सट्टे के बादशाह कहे जाने वाले तरसेम पप्पी और उसका भाई सुरजीत सिंह काका अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 चौकी पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर 24 में ही घर के बाहर पार्क में सट्टा खेलवाते हुए गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। वहीं कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हम बराए गश्त और रोकथाम जराइम इलाका चौकी एरिया में मौजूद थे। जब हम गश्त करते हुए और इसके घर के पास पहुंचे तो ये लोग दोनों तरसेम उर्फ पप्पी और इसका छोटा भाई सुरजीत उर्फ गिद्दड़ अपने घर के सामने पार्क में दड़ा सट्टा लगा रहे थे। ये पेशे से भी इसके पास पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। पप्पी जो हमारा बीसी भी है 11 थाने का, ये लोगों से छुट ठगी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कंप्लेंटें आ रही थी, ये लोगों से ठगी करके थोड़े थोड़े पैसे करके ऐंठते हैं, पर पब्लिक कोई कंप्लेंट देना नहीं चाहती थी कोई, तो इनको इस दड़े सट्टे में अरेस्ट किया है। तो कितने पैसे इनसे बरामद हुए हैं? और इन्होंने 3100 रुपये बरामद हुए हैं और ये मोबाइल से भी हाई लेवल का दड़ा सट्टा लगा के लोगों को ठगी कर रहे हैं। तो इनको अब जिला अदालत में पेश किया, इनको जिला अदालत में पेश किया। अदालत के बाद जज साहब ने इनको 14 दिन जुडिशियल रिमांड दिया है। तरसेम पप्पी और सुजीत सिंह काका लोगों को पैसे का लालच देकर सट्टा खिलाते थे, अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर उनसे लूट करते थे। पुलिस को दोनों के खिलाफ काफी समय से शिकायतें मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने दोनों को सेक्टर 24 के मकान नंबर 2388 के बाहर बने पार्क से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पुलिस को 3155 रुपए बरामद हुए। इसमें पप्पी पहले 10-12 मुकदमे हैं, बीसी है हमारा ये, और गिद्दड़ पे भी 4-5 मुकदमे हैं पुराने। पप्पी पे शराब के मुकदमे, दड़े सट्टे के मुकदमे हैं, जो गिद्दड़ है इस पर स्मैक का और आर्म्स एक्ट का मुकदमे है। ये पप्पी है तरसेम और पप्पी है, इसके बाद 10 मुकदमे दर्ज हैं। 10 मुकदमे हैं, दारू के हैं, सट्टे के हैं, और जो सुरजीत इसका भाई सुरजीत है और गिद्दड़ है इसके पास आर्म्स एक्ट का है, स्मैक का है और E7 का पर्चा। आपको बता दें कि तरसेम पप्पी पर 10 जुए और सट्टे के साथ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जबकि पप्पी चंडीगढ़ पुलिस की ओर से हिस्ट्री शीटर डिक्लेयर कर रखा है और सुरजीत काका पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल सेक्टर 24 चौकी इंचार्ज रवदीप सिंह और उनकी टीम ने बदमाशों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। पुलिस के इस तलख रवैये से ये साफ है कि पुलिस अपराध और अपराधियों को बख्शने की मूड में नहीं है। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।